बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, तमाम देखने वाले व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आप तमाम तलबा तलबात के इम्तिहानात के हवाले से, आपकी वेकेशंस के हवाले से, आपकी गर्मी की मौजूदा जो सिचुएशन बनी हुई है इस हवाले से लेटेस्ट अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। वो आपको सारी की सारी बात जो है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करता हूँ, क्योंकि जो भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट हो या आपके स्टडी टेक्निक्स के हवाले से, गेस्ट पेपर स्कीम्स के हवाले से हो, इम्तिहानात के हवाले से हो, चाहे वो छोटी क्लासेस के हों, बड़ी क्लासेस के हों, यूनिवर्सिटी लेवल पे हों, सब आपको हार्ड टीचिंग जो है वो गाय बगाय प्रोवाइड कर रहा है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं अपने पॉइंट को क्लियर करने से पहले कि एक जो बेल है वो बनी हुई है नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको लाजमी दबा दें, उसका जो बेल है उसको लाजमी अनेबल कर दें, दबा दें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है वो वेल इन टाइम मिलता रहे, लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो आपको मैं एक बात जो है वो क्लियर करता हूँ कि गर्मी की मौजूदा सिचुएशन की वजह से जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनने सर जोड़कर वो बैठे हैं, और वो तमाम के तमाम तलबा तलबात जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके वालदैन जो हैं वो गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने बच्चों को जो है वो नहीं देखना चाहते कि इस तरह इस गर्मी की सिचुएशन के अंदर वो स्कूल्स के अंदर जो है जहाँ पे पानी भी कम है और साथ ही साथ जो है गर्मी की वजह से लोड शेडिंग में भी इजाफा देखने में आ रहा है, तो और ऊपर से जो है पढ़ाई इस लिहाज से नहीं हो पा रही, तो मौजूदा सिचुएशन के अंदर वालदैन भी मुतालबा कर रहे हैं, उसी मुतालबे को सामने रखते हुए एजुकेशनल मिनिस्टर जो हैं वो सर जोड़कर बैठे हैं और उनके सामने इस वक्त तजावीज़ें जो रखी जा रही हैं। एक तो गर्मी की मौजूदा सिचुएशन की वजह से छुट्टियों के बारे में सोचा जा रहा है, और दूसरा जो है एक मुतालबा किया जा रहा है कि टाइमिंग जो है उसको कम किया जाए। तो सबसे जो मेन बात है वो टाइमिंग की अब सामने आई है, और उस सिलसिले में पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रास साहब ने भी एक ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने SOPs को फॉलो करने का और साथ साथ टाइमिंग जो है वो 7 से लेकर 11:30 बजे तक जितनी भी पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको अलाउ किया है कि वो सारे के सारे जो है SOPs को फॉलो करें और 7 से लेकर 11:30 बजे तक जो है वो टाइमिंग पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स की रखें। उसके अलावा जो इम्तिहानात के हवाले से है, छुट्टियां जो है अगर गर्मी की शिद्दत इसी तरह बढ़ती है तो छुट्टियों के साथ साथ जो है वो जो छोटी क्लासेस हैं जिसमें 8 तक के जो प्रमोशन है वो चांसेस बन सकते हैं, और इसके लिए जो है वो बोर्ड्स एजुकेशन जितने भी हैं, पंजाब एजुकेशन कमीशन जो है और इस तरह कमीशन बाकी सूबों के, वो भी अपना देख रहे हैं कि अगर हम गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो प्रमोशन जो है वो करना पड़ेगी बच्चों की, क्योंकि गर्मी की वजह से जो है इम्तिहानात लेना पॉसिबल नहीं है। और इसी सिलसिले में बोर्ड्स जो 9th, 10th, 1st ईयर, 2nd ईयर के जो तलबा तलबात हैं उनके इम्तिहानात जो हैं वो गर्मी की छुट्टियों की वजह से लेट होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, मजीद जो है वो लेट हो सकते हैं, जुलाई के एंड पे जा सकते हैं। ये एक बड़ी खबर जो है वो आई है, मैंने आपको जरूरी समझा फौरन आपको अपडेट करूँ और आपको बताऊँ। इंशाल्लाह जो भी आपके तलबा तलबात के लिए एजुकेशनल अपडेट होगी वो आपसे शेयर की जाएगी। आप हार्ड टीचिंग के साथ मुकम्मल तौर पर टच रहें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हार्ड टीचिंग आपको गाय बगाए वेल इन टाइम इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करता रहता है। अल्लाह ताला आप तमाम तलबा तलबात को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, और इस गर्मी के सिचुएशन के अंदर अपना, अपने चाहने वालों का, अपने फैमिलीज़ का, अपने फ्रेंड्स का, अपने बहन भाइयों का, सबका ज़रूर ख्याल रखें और दो में ज़रूर याद रखें। थैंक यू वेरी मच।